नमस्कार दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष बहुत उम्मीद है। एक बार पहले फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, उसके बाद में सीजीआई वीएफएक्स की आलोचना हुई। जिस प्रकार से भगवान श्री राम माता सीता जानकी और माता सीता श्री जानकी जी और हनुमान जी को दिखाया गया था, काफी आलोचना हुई, चलनी पड़ी थी। उसके बाद में फिल्म को बंद करने की धमकी दी गई, रिलीज नहीं करने की धमकी दी गई। तो फिल्म की रिलीज डेट अब जून में कर दी गई है, 16 जून को। तो अब इसकी जो नए पोस्टर सारे, हालांकि मुझे तो वो भी ज्यादा उतने अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा बहुत फर्क जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा चेंजिंग किए गए इन्होंने। सीजीआई पे जरूर काम किया होगा। तो दोस्तों, अभी तक की जो ताज़ा जो न्यूज निकल करके सामने आ रही है इस फिल्म के बारे में, वो ये है कि इसका जो ट्रिबेका फेस्टिवल है वहाँ पे इस फिल्म का प्रीमियर किया जाएगा 13 जून को न्यूयॉर्क में है ये, वहाँ पे इसका वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा और काफ़ी बड़ी मतलब वर्ल्ड ऑडियंस तक इस फिल्म को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद में ये फिल्म 16 जून को भारत में आई रही है। बहुत बड़ी रिलीज है, बहुत बड़ा बजट है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ गलत दिखाया, सही तरीके से नहीं दिखाया रामायण को, क्योंकि हमारे भगवान हैं, उनको अगर आप गलत तरीके से दिखाओगे तो फिर तो फिल्म चलेगी नहीं, मुझे नहीं लगता चलेगी, या फिल्म को चलने भी दी जाएगी थिएटर्स में। लेकिन अगर फिल्म को ढंग से बनाया इन्होंने, और अगर रामायण को वास्तव में ये एक सही तरीके से पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं, रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य हो, तो बहुत बड़ी बात होगी। देखते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे ही और फिल्म से जुड़े अपडेट्स निकल के आते हैं सामने, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।